सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन जरूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक किलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ किसी भी धर्माचार्य या धर्म गुरु के हाथ में किस तरह की रेखाएं होती हैं और किस तरह के चिन्ह बनते हैं जिससे व्यक्ति एक उच्च कोटि का धर्म गुरु या धर्माचार्य कहलाता है। यदि हथेली में तर्जनी उंगली यानी कि ये वाली उंगली की ऊंचाई ज़्यादा हो अनामिका से, अनामिका की ये उंगली है और इसकी ऊंचाई जो है अनामिका की ऊंचाई तर्जनी से कम हो और साथ ही साथ गुरु पर्वत के ऊपर कोई बड़ा सा क्रॉस बना हो इस तरह से, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर पुरोहित या धार्मिक प्रकृति का होगा। इसके अलावा अगर तर्जनी की उंगली की ऊंचाई ज़्यादा रहे और सूर्य पर्वत पर, ये सूर्य का पर्वत है, इस पर सूर्य की रेखा प्रबल बनी हो, इस प्रकार से प्रबल बनी हो और बिल्कुल निर्दोष हो, तो ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध उपदेशक या धर्माचार्य बनता है। अगर इसके साथ जीवन रेखा कटी फटी हो या फिर जीवन रेखा से एक शाखा इस तरह से निकलकर अलग स्प्लिट हो जाए, दो भागों में बट जाए, तो ऐसा व्यक्ति धर्माचार्य के साथ साथ एक गृह त्यागी और सन्यासी भी होता है। अगर चंद्र पर्वत की स्थिति भी काफ़ी उन्नत हो तो ऐसा व्यक्ति जो है सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए धर्माचार्य होते हैं। ये लोग आजीवन आध्यात्म की ओर रुझान रखते हैं और हमेशा सत्य की खोज, ज्ञान की खोज में अपना पूरा जीवन निछावर कर देते हैं। इन रेखाओं के साथ अगर शनि की रेखा बिल्कुल प्रबल हो और शनि पर्वत पर जाके ख़त्म हो रही हो, तो ऐसी अवस्था में ऐसे धर्माचार्य सांसारिक सुखों का भोग करते हुए प्रसिद्ध होते हैं और अच्छे उपदेशक और धर्माचार्य बनते हैं। तो अगर आपके हाथ में इस तरह की कोई रेखा बनती है तो ज़रूर देखिए। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।